job is in... Hi, this is Shrijan, an ordinary 18-year-old boy, जो पिछले दो हफ्तों से अकेले रह रहा है। अकेले रहने में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अकेले रहने में एक बहुत ही गहरा राज है। आज की सुबह भी रोज जैसी ही है। ना मम्मी है, ना पापा है और ना ही भाई, सिर्फ मैं हूं पूरे घर में एकदम अकेला। ब्रश करने के बाद मैं अपने कदम बढ़ाता हूँ मेन गेट की तरफ, जहाँ आज का न्यूज़पेपर आया है, जिसे मैं बिना पढ़े बाकी न्यूज़पेपर के पास आराम से ले जाकर छोड़ दूँ। करीबन सुबह के 11 बज चुके हैं और मुझे लग रही है भूख, इसीलिए मैं किचन की तरफ बढ़ता हूँ ये सोच के कि चाय बनाते हैं। मगर सिर्फ चाय से पेट थोड़ी ना भरता है, इसीलिए चाय के साथ आज मैं ब्रेड, बटर और जैम खाऊंगा। अब ये चाय चाहे जितनी भी अच्छी बनी हो, यकीन करो मेरा, इसे अकेले पीने में ना वो मजा नहीं है। यहां पर फिलहाल मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए इस चाय को और ब्रेड बटर को मुझे अकेले ही खत्म करना होगा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मुझे पता है कि अब मेरा टाइम कैसे पास होगा। ऑनलाइन लेक्चर, करीबन 1 घंटे का ये लेक्चर बहुत ही मुश्किल से गुजरने वाला है। दो बज चुके हैं और अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है करने को, करूं क्या मैं? और ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। अकेले रहने की आदत नहीं है मुझे, और सच बताओ तो मुझे डर लगता है इस अकेलेपन से, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है ना, आई एम कंप्लीटली अलोन। अराउंड 15 दिन अकेले रहने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अकेले रहना कितना मुश्किल है, जब तक तुम खुद की कंपनी को इंजॉय ना करो। और जब से, जिस टाइम से तुम खुद की कंपनी को इंजॉय करने लग जाओ, तो कुछ ऐसा होता है।
मैं एक बहुत ही बड़ा मार्वल फैन हूँ, और जब भी अकेलापन लगे ना, अपनी सबसे फेवरेट सीरीज निकालो और उसे देखो। टाइम कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। डांस करो, टीवी देखो, गाओ, या फिर मेरी तरह अपने बालों के साथ खेलो और अलग अलग हेयर स्टाइल्स को ट्राई करो। वेल, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट जो भी कहो, एक बार जब तुम्हें खुद के साथ मजा आने लग जाता है ना, तो किसी और की कुछ खास जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। जब भी मन करे अपने उस फेवरेट पर्सन को कॉल करो, जिसे बात करने के बाद वो तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास दिलाए। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स, हर वो इंसान जो तुम्हें स्पेशल फील कराए। जब तुम खुद से प्यार करने लगोगे और तुम्हें खुद के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगेगा, तब ये जो तुम्हारा लोनलीनेस है, सॉलिट्यूड में बदल जाएगा। रोज देखी पोस्ती टाइप।